हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पेन फ्री हैबिट्स में एलजेब्रा हम कर रहे थे। एलजेब्रा के अंदर तीन सेशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आज चौथा सेशन है। और ये चार सेशन जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 18 का प्री हो या आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। इसके अंदर लास्ट सेशन में हमने देखा था कि क्या क्या चेंजेस आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, यानी उन सब चीज़ों पर आपको अभी से काम करना होगा। चाहे हमने देखा, चाहे वो पावर में वेरिएशन हो या फिर वेरिएशन हो ओरिएंटेशन में या स्ट्रक्चर में, तो दोनों चीज़ों पे काम हमें आज से ही करना होगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में मैंने आपको जो चीज़ बताई थी, देखिए सिंपल सी चीज़। आज के सेशन में हम लास्ट तक सीजीएल मेंस के क्वेश्चन देखेंगे जो इन वेरिएशन पे पेपर में आए हुए हैं। और आपको ये देखना है कि अगर आपने वो चीज़ पहले पढ़ रखी होती, पहले के तीन सेशन, देखिए ये सेशन जो भी बच्चा पहली बार देख रहा है, पहले वो स्टार्टिंग के तीन सेशन देखिए एलजेब्रा के, उसके बाद ये सेशन देखिए। एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर एन है तो आपको बताया गया है इसके अंदर पावर वेरिएशन हो सकता है। हो सकता है कि एक्स की पावर 200 प्लस एक बटा एक्स की पावर 200, और ये भी हो सकता है कि भाई इसे अलग अलग तरीके से लिखा जाए। ठीक है, ये सारा वेरिएशन हमने देखा था। ये देखिए, आज रिकॉल इसलिए करा रहा हूं मैं क्योंकि आज का सेशन भी हमारा इस पे बेस है और इसी पे बेस ही हमारे प्रीवियस मेंस के क्वेश्चन है। तो ये सब वेरिएशन हमने देखा था कि एक ही चीज़ है, चाहे आप उसे ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, इस तरीके से देखने में नया लगता है, तो नए तरीके के हिसाब से हमें तैयारी करनी होगी। देखिए, आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो इस फॉर्मेशन से दूर ही हैं, ठीक है, इस पे ही काम कर रहे हैं। पर देखिए, एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रहा है तो कोशिश करिए जो चीज़ें रह गई हैं वो मिसिंग ना हो बिल्कुल भी। आइए स्टार्ट करते हैं। आज पहले प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन लिखूंगा मैं। ये पहला क्वेश्चन है, साथ के साथ मैं यहां पर दूसरा क्वेश्चन भी लिखूंगा। देखिए, मेंस का ही क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर का, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। जो आप प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे उन सब में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। अब मेन ध्यान रखने वाली बात यह है, इन क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे? एक तो मैंने आपको बताया बनाने का तरीका। बनाने का तरीका, x प्लस वन बाई एक्स अगर तीन है तो 18 क्या आएगा? 18 आएगा एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कब आ सकता है? जब ये वैल्यू आपकी माइनस वन हो। सीधा देख के आपको सीधा आंसर मार्क करना है। तो ये मेंस का ही क्वेश्चन था, लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, 16 का या 15 में इसका था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो डायरेक्ट देखना है और आंसर मार्क करना है। दूसरी चीज, ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई, आपको बनाना किस तरीके से, जो आपने लास्ट सेशन में सीखा उस तरीके से बनाना है। अब सेम ये चीज यहां पर है, x प्लस वन बाई एक्स अगर 5 है, एक्स क्यूब, अब मैं देखता हूं 110 कब आ सकता है। 5 के साथ हमने 110 पढ़ा था, एन क्यूब माइनस 3n। एन क्यूब माइनस 3n कब फॉर्मूला बनता है? जब फॉर्मूला आता है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का, प्लस वन बाई एक्स क्यूब का, प्लस वन कब आ सकता है? जब यहाँ पर माइनस वन हो, तो माइनस वन आपका आंसर हो जाएगा। अब साथ के साथ इसके अंदर एक चीज और देखनी है। देखिए, जब सेकंड सेशन कराया गया था, ठीक है, सेकंड नहीं, फर्स्ट सेशन जब हमने किया था, तो आपने उसके अंदर एक चीज देखी थी, हमने फॉर्मेशन पढ़ी थी, जो ऑप्शन एन स्क्वायर माइनस टू की फॉर्म में होगा वो आंसर हो जाएगा, एन क्यूब माइनस 3n की फॉर्म में होगा वो आंसर हो जाएगा। सेम ये चीज आपको यहां देखनी है। अगर मैं ये वाला पार्ट नहीं भी देखता हूं, देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लगभग सारे क्वेश्चन में आपको आंसर या तो प्लस वन मिलेगा या माइनस वन मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्टली क्या है, एक फॉर्मेशन है, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू ये है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब पूछ सकता है, 6 पूछ सकता है, 4 पूछ सकता है, तो बीच में तो प्लस वन ही आएगा, तो प्लस वन या माइनस वन आएगा, तो इसका मतलब है राइट साइड में या तो माइनस वन होगा या प्लस वन होगा, तो आंसर आपका माइनस या प्लस वन होगा। अब आते हैं उस वाली चीज पे जो हमने फर्स्ट सेशन में सीखी थी। फर्स्ट सेशन में आपने क्या सीखा? देखिए, फर्स्ट सेशन में आपने सीखा, आपने ऑप्शन देखे ए बी सी डी, आपने देखा ऑप्शन में लिखा है 18। 18 कैसे बनता है? एन क्यूब माइनस 3n से। एन क्यूब माइनस 3n कब बनता है?
जब वैल्यू पूछी जाती है किसकी, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब की, क्योंकि ये तीन का क्यूब माइनस थ्री एन, ये हमने फर्स्ट सेशन में लिखा है, देखिए ये वैल्यू आपको लर्न हो जानी चाहिए अब तक। तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब की वैल्यू कब निकाल सकते हैं, जब ये बीच में प्लस है तो मतलब राइट साइड में क्या आएगा, माइनस वन आएगा। तो अब अगली बार मेरे को क्वेश्चन करना हुआ तो मैं ये देखूंगा 18 कैसे बनेगा एन क्यूब माइनस थ्री एन से। एन क्यूब माइनस थ्री एन कब आता है, जब बीच में प्लस आता है, बीच में अगर प्लस आता है तो राइट साइड में माइनस आएगा, तो राइट साइड में आपने माइनस वन लिख दिया। सेम ये चीज़ आप यहाँ देखेंगे, 110 कैसे बनता है, एन क्यूब माइनस थ्री एन से बनता है, हमने पढ़ा था 5 के साथ 110 बनता है, तो 110 बन गया एन क्यूब माइनस थ्री एन से। एन क्यूब माइनस थ्री एन कब आता है, जब एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब होता है, और अगर बीच में प्लस होता है तो राइट साइड में क्या हो जाता है, माइनस वन, तो माइनस वन आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका आ गया वही जो हमने फर्स्ट सेशन में लिया था, ऑप्शन के थ्रू किया था, तो वही कॉन्सेप्ट हमने लगाया है, आंसर वन या माइनस वन में से होगा, आप सीधा मार्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें आपको इस तरीके का वेरिएशन मिल सकता है, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैंने दो फॉर्मेशन में क्वेश्चन लिखे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ध्यान से आपको देखना है, पहले मैं आता हूँ इस क्वेश्चन पे। अब देखिए अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा है तो आपको पहले बनाना पड़ेगा, एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर आप सॉल्व करेंगे, उससे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालेंगे, उससे एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालेंगे, फिर वापस आपको एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब पर आना पड़ेगा, रीअरेंज करके पता लगेगा कि निकालना क्या है। तो इतने टाइम में तो इसका आंसर डायरेक्ट निकल सकता है, जैसे कि दोनों चीज आपको बताई मैंने। सबसे पहले अगर मैं देखता हूं यहां पर, अगर मैं इंडिविजुअली बना के करूंगा तो देखिए मुझे टाइम लगेगा, और ये टाइम भी जो अभी लगेगा आपको आगे के सेशन में मैं ये भी बताऊंगा आपको, यही टाइम आपको मिनिमाइज कैसे करना है, कैसे ऐसा करें कि हमें पेन नहीं लगाना, ये प्लस ये, ये प्लस ये, ये प्लस ये, ये आंसर हो गया। तो साथ के साथ जुड़े रहिए और लगातार फोकस रखिए सभी सेशन पे। अगर आप देखते हैं 36 कैसे बन सकता है एन क्यूब प्लस थ्री एन से, 36 बनेगा एन क्यूब प्लस थ्री एन कब आता है, जब एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब होता है, माइनस कब आएगा, जब राइट साइड में प्लस वन होगा, तो प्लस वन आपका आंसर हो जाएगा। यानी पॉइंट तक नहीं लगाना आपको, केवल और केवल जो बातें समझाई गई हैं, अगर समझ नहीं भी आई है दोबारा से रिवाइंड करिए और दोबारा से देखिए, और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। लिखने से कुछ नहीं होगा, अगर आपने नोटबुक में बना के नोट्स बना लिए, तरीका समझिए जो आपको अप्लाई करना है, केवल लिखने से कुछ नहीं होगा। सेम ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमने फॉर्मेशन पढ़ ली, अब हम मैं हमेशा ये मानता हूँ कि बच्चे के दिमाग में ये रहना चाहिए कि जैसा मैं पढ़ के गया हूँ एग्जैक्ट पेपर में नहीं आएगा, कुछ ना कुछ एग्जामिनर इसके अंदर चेंज जरूर करेगा। अब वही चेंज के लिए मैंने क्वेश्चन इस तरीके से लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की पावर 200 और ये एक्स की पावर 600, पावर में रिलेशन हो गया तीन का। मैं देखता हूँ पावर में रिलेशन तीन का है और ये 76 है, चार के साथ 76 कब बनेगा, फोर क्यूब प्लस थ्री इंटू फोर, फॉर्मूला हमने पहले लिखा हुआ है। तो एन क्यूब प्लस थ्री एन, एन क्यूब प्लस थ्री एन कब आता है, जब एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब होता है, और माइनस अगर बीच में आ गया तो मतलब राइट साइड में प्लस वन आ जाएगा, तो प्लस वन आपका आंसर हो जाएगा। यानी कुछ भी नहीं करना आपको, सीधा आंसर मार्क करना है, और ये आंसर मार्क आप देखिए डायरेक्ट तभी कर सकते हैं जब आपने पहले के तीन सेशन बिल्कुल कॉन्सेप्ट से थोड़ो पढ़े हो। तो उसी के साथ कंटिन्यूसली में हमारा फोर्थ सेशन है ये, तो पहले आप तीन सेशन अच्छी तरीके से देखिए, उसे समझिए, फिर ये सेशन उसके बाद देखना है आपको। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका 17 में इसका, और कई बच्चे कह रहे थे कि भाई ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, बड़ा क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर। इस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं देखा, क्वेश्चन इसलिए नहीं देखा क्योंकि हम चेंज के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए ध्यान से अगर आप देखते हैं,
ये अगर लिखा है इसका मतलब क्या है, इसके बहुत सारे मतलब है, x प्लस वन बाय एक्स इक्वस टू फोर, एक्स इंटू एक्स माइनस फोर इक्वस टू माइनस वन। अगर ये माइनस वन है, अगर आप ये लिखेंगे 14 इक्वस टू माइनस वन, ये हमें डायरेक्ट पता है। ये देखिए लिख के तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को करना होगा तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ हमें पहले से ही पता है। ये लिखेंगे, इसे आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ये आपने पहले तीन सेशन में ये चीज़ ही देखी है कि इसको इस तरीके से कैसे रिकॉल करना है, कैसे याद रखना है, एन स्क्वायर माइनस टू, एन स्क्वायर माइनस टू। तो ये वैल्यू आपको पता है माइनस वन आएगी। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ इन दोनों को, आप देखते हैं x की पावर 5 कॉमन, ये हो गया, x की पावर 3 कॉमन, ये हो गया, ठीक है। अब क्या है, ये फॉर्मेशन तो वही है जो आपको यहाँ दिख रही है, यानी इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, माइनस वन बाय एक्स की पावर 4, तो माइनस x की पावर 4 माइनस इसकी जगह x की पावर 4, तो ये क्या हो गया 1 बाय एक्स, ये हो गया x, तो माइनस ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स, जो कि आपका माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए लिखने वाला पार्ट भी केवल आपको समझाने के लिए लिखा गया, नहीं तो मैं डायरेक्ट ही देखता कि भाई कॉन्सेप्ट मैंने पहले से पढ़ रखा है, x की पावर 4 माइनस 94 यानी माइनस 1 बाय x की पावर 4, तो माइनस 1 बाय x यहाँ बचेगा या प्लस बचेगा, माइनस बचेगा x का, माइनस कॉमन लूंगा तो x प्लस 1 बाय x की वैल्यू कहाँ है, ये रही, ठीक है, जो कि राइट साइड में जाके 4 हो जाएगी, तो माइनस 4 मेरा आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 में इसका ही क्वेश्चन था, पर ये होमवर्क करा होना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। अब इसी के अंदर ही क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे वेरिएशन में मिल सकता है आपको। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, m इंटू एम माइनस फाइव इक्वल टू माइनस वन। और देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि तीन सेशन हो गए इस टाइप की वैरायटी देखते देखते, अगर आपने वैरायटी देखी है तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई होगी कि हाँ इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको मिल सकते हैं या प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब आप इस फॉर्मेशन को उसी नज़र से देखेंगे जो आपको दिखाई गई है। आप देखते हैं एम स्क्वायर इसके साथ आ गया, एम क्यूब मैं इसके साथ लिख देता हूँ क्योंकि m की पावर 5 था। आपको पता है जब m इंटू एम माइनस फाइव माइनस वन होता है तो ये किसके बराबर होगा, ये भी माइनस वन हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भी माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर आपका प्लस वन हो जाएगा। तो अगर कोई बच्चा पहली बार देख रहा है क्वेश्चन तो इतनी जल्दी आंसर नहीं कर सकता, वो 4 सेकंड 5 सेकंड में आंसर नहीं आ सकता आपका, क्योंकि आपको पहले जज करने में टाइम लगेगा एग्जैक्टली इसमें निकालना किस तरीके से। तो वही फॉर्मेशन प्रिडिक्शन आपको पहले बताई गई है कि फॉर्मेशन आपको किस तरीके से प्रिडिक्ट करनी है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी में आपको इस तरीके का क्वेश्चन भी मिल सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब ध्यान से आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर। ध्यान से देखने वाला पार्ट ये है कि फॉर्मेशन आपको नई सी तो जरूर लग रही है पर इतना ज़्यादा चेंज नहीं है इसके अंदर। जैसे कि अभी तक क्या था, हमने क्वेश्चन पढ़े राइट साइड वाली वैल्यू पूछी थी, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर हर बार इक्वल्स टू में ही क्वेश्चन मार्क लगाएगा, क्वेश्चन मार्क कहीं भी लग सकता है, फॉर्मेशन कैसे भी बन सकती है। आप देखते हैं ये अगर 6 है, ये माइनस वन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस टू जो कि माइनस वन के बराबर आएगा। अगर ये प्लस वन है, इसका मतलब है ये इंटू ये माइनस वन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस वन है, ये माइनस वन होगा तब प्लस वन आएगा। और अगर ये माइनस वन के बराबर है तो आपको एक तरीके से वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब की,
एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का फॉर्मुला हमने पढ़ा था, एन क्यूब माइनस थ्री एन, एन क्या है यहाँ पर सिक्स है, छह के साथ मैंने लिखवाया था आपको 198 एन क्यूब माइनस थ्री एन, तो 198 आपका आंसर आ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर माइनस की जगह प्लस लगा दे यहाँ पर, ऐसा देखिए हरगिज़ मत मानिए कि जैसा आप पढ़ के जा रहे हैं सेम वैसी चीज मिलेगी, कुछ ना कुछ चेंज एग्जामिनर जरूर देता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा और आज ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपने आज तक देखे ही नहीं है, फर्स्ट टाइम ही आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आप देखते हैं इसके अंदर अगर वो प्लस लगा देता है, क्योंकि आपका आंसर आ रहा है 198, आपने बोला कि भाई एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू 198 होगा, 198 कब हो सकता है, जब यहाँ पर वन माइनस 198 हो, क्योंकि जब यहाँ माइनस में होगा तभी तो वो यहाँ जाके प्लस में आएगा, तो उस केस के अंदर आंसर आपका माइनस 198 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज के सेशन में हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखे और ये क्वेश्चन सारे ऐसे हैं जो आपको इजीली अवेलेबल नहीं मिलेंगे बुक में, ठीक है, ये सारा चेंजेस है। और मेरा मानना हमेशा ये रहता है कि कोई भी बच्चा अगर अच्छी तैयारी कर रहा है वो तो करे ही जो प्रीवियस ईयर में आया, साथ के साथ ये भी ध्यान रखें कि अगर मैं 190 प्लस का सपना देख रहा हूँ तो ऐसी कौन सी चीज़ मेरे में अलग है जो और बच्चा नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर आनी चाहिए, क्या मैं उस बदलाव के लिए तैयार हूँ जो मैं लगातार देख रहा हूँ 17 में इसमें आ रहा है, 16 में इसमें आ रहा है, टिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में, उस चेंज के लिए मैंने घर पे कुछ काम किया। अब आप देखिए ये जो चेंज हमने किया ये आपका होमवर्क है उन बड़े क्वेश्चंस के लिए, यानी आपने देखा कि अगर आपको सीधा सीधा पता है एक्स इंटू एक्स माइनस फोर इक्वल टू माइनस वन, एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस फोर्टीन इक्वल टू माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस फिफ्टी टू इक्वल टू माइनस वन, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में डायरेक्ट लाइन से लगी हुई हैं। उसके लिए आपको ये नहीं है कि पहले पेन उठाएंगे फिर फॉर्मूला लगाएंगे फिर आप कन्वर्ट करेंगे फिर आंसर निकालेंगे, तो ये चीज़ें तुरंत होनी चाहिए, तुरंत शार्प होनी चाहिए। तो देखिए आज के सेशन में हमने देख लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके 17 में से आए थे और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 18 में भी एक्सपेक्टेड है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी आगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।